पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा को लेकर कटघरे में ममता सरकार, पंडाल की थीम को लेकर हुआ बवाल। ममता बनर्जी पर थीम को लेकर सरकारी मदद करने का आरोप, 8 से 13 अक्टूबर तक होनी है दुर्गा पूजा। बीजेपी नेता जगन्नाथ सराकर ने पंडाल की थीम पर उठाए सवाल, कहा पंडाल के लिए पैसा देने से पहले पूछी जा रही है थीम। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस की सदस्यता के लिए शुरू किया अभियान, सदस्यता देने के लिए 100 रुपए का चंदा जुटाने की कवायद। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए शुरू किया चंदा जुटाने का अभियान, सभी जिला अध्यक्षों को चंदा जुटाने के निर्देश। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का जजिया टैक्स बताया, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कांग्रेस चंदा जुटाकर भी कर रही है भ्रष्टाचार। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन हुआ क्रैश, प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत। घायल पायलट कैप्टन मनीष शाक्य को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था। प्लेन सौर्य एयरलाइंस का था, हादसे में मारे गए लोगों में 17 सौर्य एयरलाइंस के ही स्टाफ थे जबकि बाकी 2 क्रू मेंबर्स। प्लेन रनवे के दक्षिणी छोर से टेक ऑफ कर रहा था, अचानक से इसमें आग लग गई, इसके बाद ये रनवे के मुद्दा एयर हैंगर और रडार स्टेशन के बीच एक गड्ढे में गिर पड़ा। आनंद पाल एनकाउंटर में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज, आनंद पाल का एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा। राजस्थान के गैंगस्टर आनंद पाल का हुआ था एनकाउंटर, 24 जून 2017 को हुआ था आनंद पाल का एनकाउंटर। सीबीआई ने 2020 में पेश की थी क्लोजर रिपोर्ट, आनंद पाल की पत्नी राज कंवर ने क्लोजर रिपोर्ट को किया था चैलेंज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू युवती को मुस्लिम बनने के लिए ब्रेन वॉश करने की आरोपी महिला पर दर्ज मुकदमा, हिंदू संगठन की युवतियों ने लगाया अकेडमी प्रबंधन पर आरोप। बिहार की सीतामढ़ी में हत्या की योजना बनाते 4 आरोपी धर दबोचे गए, आरोपियों से अवैध हथियार भी जब्त हुआ। यूपी के बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, 64,000 के नकली नोट और मोबाइल फोन इनके पास से बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवती की हत्या का हुआ खुलासा, अपहरण के बाद युवती की हत्या के बाद चेहरे पर डाला गया तेजाब। यूपी के बहराइच में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 2 दिन पहले बगीचे में मिला था युवक का शव। यूपी के हमीरपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। यूपी के बदायूं में हत्या के मामले में हुआ खुलासा, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार, 9 जुलाई को हुई थी हत्या। यूपी के फिरोजाबाद में होटल में रंगे हाथों पकड़े गए प्रेमी प्रेमिका, युवती के परिजनों ने दोनों को पकड़ा, युवती के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई। यूपी के मैनपुरी में शराबी पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने धर दबोचा, शराबी पति की पीट पीट कर हत्या को दिया था अंजाम। यूपी के गोंडा में बुजुर्ग की हत्या का हुआ खुलासा, संपत्ति के लालच में पोती ने की थी बाबा की हत्या। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों से की मारपीट। यूपी के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को किया गिरफ्तार, शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर चल रहा था फरार। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में की गिरफ्तारी, हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाले युवक को किया गिरफ्तार, कार की बोनट पर चढ़कर बना रहा था रील। यूपी के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे, रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को बचा लिया गया, नदी में मछली पकड़ने गए थे ये मछुआरे। उत्तर प्रदेश के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत हुई गंभीर, वाराणसी किया गया रेफर। यूपी के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत, पेड़ की छटाई कर रहा था ये युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को मारी टक्कर, घायल कांवड़ियों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तराखंड के हरिद्वार में नहाते हुए युवक गंगा नदी में डूबा, गोताखोरों ने युवक को बचा लिया।
महाराष्ट्र के पुणे में बिजली ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान युवक गंगा में डूबा, गोताखोरों ने युवक को बचाया। होम डी डेकोर ने फैब्रिक्स में अपना नया ब्रांड संसार किया लॉन्च, 50 शहरों में 350 स्टोर्स बनाए गए। बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह बने ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास में होगी शामिल, 27 जुलाई से शुरू होगा सैन्य अभ्यास। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में सिवर लाइन में सेना की गाड़ी फंसने से मचा हड़कंप, ट्रैफिक पुलिस की रिकवर गाड़ी भी गड्ढे में फंसी, लगा लंबा जाम। यूपी के शाजापुर में बाढ़ का पानी लोगों के घरों में जा घुसा, नाराज लोगों ने हाईवे पर लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में भारत पावर ने जीता गोल्ड मेडल, पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जीता गोल्ड। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसीबी ने इंस्पेक्टर महेश पारिक का लॉकर खंगाला, एसीबी ने लॉकर से मिली ज्वेलरी की कीमत 37 लाख रुपए बताई। उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी ने दुकानों पर चेकिंग का दिया निर्देश, कमतौल मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च, ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को मिलेगी सारी जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर, करीब 200 डॉक्टर्स किए गए तैनात। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के लिए मांगा समर्थन, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ। चीन दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से की मुलाकात, दक्षिण चीनी शहर ग्वांगझो में यह मुलाकात हुई। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बर्लिन दौरा, बर्लिन के रक्षा मंत्री जॉन हीली से की मुलाकात, ब्रिटिश रक्षा मंत्री का हुआ जोरदार स्वागत। अमेरिका में एफबीआई प्रमुख को करना पड़ा सवालों का सामना, ट्रंप की हत्या की कोशिश में हुए सवाल जवाब। इसराइल ने गाजा के खान यूनिस शहर का पर किया मिसाइल अटैक, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। फ्रांस की एयरफोर्स ने इंडोनेशिया में बनाया नया अड्डा, चीन की हर गतिविधि पर रखेगा नजर। यूक्रेनी राष्ट्रपति दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि यूक्रेन रूस के साथ शांति वार्ता को तैयार, रूस ने कहा कि वो यूक्रेन की शांति समझौते का करेगा इंतजार। चीन में भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, कई सड़कें टूटी, लोंगनान और गांसू की सड़कों पर भरा जबरदस्त पानी। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश, करीब 6,000 लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बाढ़ के कारण हालात हुए खराब, बाढ़ और बारिश में करीब 13 लोगों की मौत की खबर। ताइवान में टाइफून गेमी का कहर, सुरक्षा के किए गए तगड़े इंतजाम।